महमूद असलम एक ब्रिलियंट एक्टर हैं और ये बात हम सब लोग जो पाकिस्तानी टीवी और फिल्में देखते हैं वो मानते हैं। कल हमने महमूद साहब का एक वीडियो देखा जिसमें वो गाते हुए नजर आए। आइए पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं और फिर इनसे पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ। छोटा कद और मोटा पेट, मोटे पेट का है सब वेट, आलू अंडे और पराठे खा खा के निकला है पेट। तेरा है ना मेरा है, सोचो है किसका फिर पेट। खेला जाए ना कूदा जाए, इसको उठा के कहां ले जाए, और इंग्लिश में बनता है एक। छोटा कद और मोटा पेट, मोटे पेट का है सब वेट, पेट को अंदर करते करते हो जाएंगे सब लमलेट। हुआ ये जी के मेरी बेटी क्लास 5 में है, तो उसकी टीचर ने उसको कहा कि कोई एक उर्दू की टीचर ने कि कोई एक पोएम लिख के लाए मजे की, लाइट सी बच्चों की। उसने आके मुझे कहा कि बाबा कोई पोएम लिख दें। मैंने कहा अच्छा बेटा मैं अब क्या लिखूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। बहरहाल ये मेरे रात जेन में ये कुछ एक दो वर्ड आए तो मैंने इनको पोएम की सूरत में लिख दिया उसको। दूसरे दिन वो स्कूल गई तो टीचर ने कहा कि नहीं ये तो मजे की है, तो ये 3-4 लाइंस और लिखवा के लाओ। फिर उसने आके मुझे कहा कि बाबा इसको और लिखे, तो मैंने वो उसको और लिख दी और ये पूरी एक नज़म जो थी ये बना दी। तो कुछ मैं उसको बताता भी रहा कि बेटा इस तरह पढ़ना है आपने, इसको राइम की शक्ल में, वैसे ना नसर की शक्ल में ना पढ़ देना। तो खैर उसको मैंने याद बात करवाई। मैं अभी रिसेंटली ये लाहौर गया हुआ था, तो लाहौर मेरा बेटा जो है वो ऑडियो इंजीनियर है और कंपोजर भी है, उसका अपना स्टूडियो उसने घर में खोला हुआ है। तो मैं ऐसी बातों में उसे जिक्र किया कि यार मैंने ये बच्चों के लिए ना एक नज़म लिखी है। तो कहने लगा बाबा सुनाए। मैंने उसे सुनाई तो कहने लगा ये बाबा ये तो बहुत मजे की है, क्यों ना इसको कंपोज करके तो इसको आप गाएं भी और इसको हम बना के तो वायरल करते हैं। मैं कह यार अजीब सा लगेगा बेटा, कहता नहीं बाबा सीरियसली ये बहुत मजे की है। खैर वो उसने इसको कंपोज किया, इसका म्यूजिक बनाया बैठ के और अपने ही वो उसका जो मोबाइल था उससे उसने ये मेरी वीडियो बनाई और उसके बाद उसने जो भी इसमें था वो कर करा के म्यूजिक में और उसने मुझे भेज दी कि बाबा ये नहीं ये तैयार हुई है। वो मैंने ऐसे ही अपने फ्रेंड्स को अपने सर्कल में अपने यूट्यूब पे और इधर उधर मैंने डाल दी। मैंने कहा चलो अगर, लेकिन इसका रिस्पॉन्स मुझे बहुत अच्छा मिला। बेशुमार लोगों ने कहा जी कि बहुत जबरदस्त है कि मेरे बच्चों ने सुनी है और वो बार बार मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज जी मामा हमें दोबारा सुनाए। तो कहते हैं जी मैं 10 times उनको ये सुना चुकी हूँ और अभी भी मेरे पीछे है कि हमें ये दोबारा सुनाए, उन्हें इतनी मजे की लगी है। मैं एक सेट पे, हम एक सिटकॉम कर रहे हैं तो उसमें हिना दिलपजीर जो मोमो बुलबुले में कर रही है वो मैं इकट्ठे थे, तो मैंने ऐसे ही उनको सुनाई। मैंने कहा मोमो मैंने एक ये पोएम लिखी है बच्चों की तो मैं सुनाऊं आपको। कहने की सुनाए, मैंने उस पर सुनाया तो हंस हंस के उसका बुरा हाल, कहती है कि यार हम मतलब सूफी तबस्सुम साहब बच्चों के लिए कुछ लिखा करते थे, उसके बाद हार्डली कहती है हमने अपनी लाइफ में कोई बच्चों के लिए किसी ने कुछ किया हो। तो कहने लगी ये तो बहुत अच्छी चीज है, अगर आप बच्चों के लिए यूं की कॉमेडी नज़में जो हैं वो अगर लिखें तो ये तो बड़ा मजा आ सकता है। तो ये सर थोड़ी सी स्टोरी है मेरी इस पोएम के बारे में। थैंक यू महमूद साहब, वी लव द पोएम और स्पेशली जिस अंदाज से आपने सुनाई है। आर बेस्ट विशेस टू योर सन। प्लीज इसको बोलें कि जल्दी जल्दी अपने कुछ कंपोज किए हुए गाने रिलीज करें। वी आर डाइंग टू हेयर हिज कॉम्पोजिशंस। फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज कीप वॉचिंग EPK। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।